सो पैकिंग हो गई है कंप्लीट। ये जो बैग है इसमें मेरे सारे रखे हैं, जितने भी कैमरा के या चार्जर हैं, ईयरफोन है, पावर बैंक, सब कुछ इस बैग में रखा, और ये मैं आगे टांगूंगा। और ये जो दूसरा बैग है इसमें भरे पड़े हैं मेरे सारे कपड़े, भरे हुए हैं 2-3 कपड़े, 4-5 कपड़े ले जा रहा, ज़्यादा कपड़े ले नहीं जा रहा क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो रुकना नहीं है। हेलमेट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हमको अब बस निकलना है, थोड़ा लेट हो गया है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। मुझे निकलना चाहिए था 6 के आसपास, पर मैं निकल रहा 7:30 के आसपास, तो ये 1.5 घंटे का लेट हुआ है। बट जब आप रात में 2 बजे सोते हो ना, तो सुबह आप उठने में लेट हो ही जाती है। तो चलिए मिलता हूँ, मैं रास्ते में बाइक पे मिलता हूँ, फिर मैं बताऊँगा हम कहाँ जा रहे हैं। और दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट से। आप पूरा देखिए, आपको पता चले कितनी सारी चीज़ें रास्ते में आएंगे, सभी चीज़ों के बारे में बताता चलूँगा मैं। जितने भी जगह आएंगे सभी के बारे में बताता चलूँगा मैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस राइड। सो यस, थोड़ा लेट लेकिन निकल गया मैं। अब ओके, सो मैं बात करूंगा पूरी जर्नी के बारे में, मैं बताऊंगा कहाँ जा रहा मैं पहले भी जा चुका हूँ उस जगह पे, लेकिन इस बार कुछ ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इट्स लेट ऑफ यस। तो मैं बता रहा था कि मैं पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा। पूरी तैयारी का मतलब कि मैं पूरा एक कंप्लीट ब्लॉग बनाने वाला हूँ, पूरी सीरीज आने वाली है इस पे। जो टोटल डिस्टेंस है वो अराउंड 500 किलोमीटर है, तो प्रोबेबली हम शाम तक आज पहुंच जाएंगे। एक बार हाईवे पे पहुंचता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। नाउ वी आर ऑन दिस होशंगाबाद हाईवे, ये ले जाएगी आपको होशंगाबाद इटारसी, और यही रास्ता सीधे जाते है जबलपुर। बहुत ही अर्जेंट में ये जाना पड़ रहा है मुझे, पहले प्लानिंग कहीं और जाने की थी बट ये चेंज हुआ है और अब मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है। सो आई विल ट्राई टू मेंटेन ए स्पीड ऑफ अराउंड 80-85। मैं चाहता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से वो, जैसे मैंने पहले बताया था, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर से 10-20 कुछ कम होगा। तो मेरा प्लान क्या है कि मैं हर 1.5 से पौने 2 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लूं, और फिर हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले लें। तो मतलब हर 100 किलोमीटर पे या 120 किलोमीटर पे, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, कितना टाइम बचता है, वी विल ट्राई टू कवर द डिस्टेंस एंड देन विल टेक ब्रेक फॉर 15 टू 20 मिनट्स। सो जिस जगह से मैं अभी निकल रहा, इसका नाम मिस रोड है। ये आप समझो भोपाल का बिल्कुल साउथ मोस्ट एरिया है ये। और अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसे मैंने नाइट में चेक किया था हाईवे पे आके, तो यही रोड थी, हेडलाइट की जो मैंने इंटेंसिटी चेक की थी, और मैंने यही पे खड़े होके बोला था आपको कि वो सामने देखिए, सामने क्या है, सामने बोर्ड लगा हुआ है जबलपुर एंड ऑल द जितने भी जगह, नागपुर, इन सभी जगह जाने के लिए यही रोड है। ये देख सकते हैं वही बोर्ड है ये।
वो मैंने सोचा है कि पेट्रोल ले लिया जाए। सो हमने ले लिया है 1,000 का पेट्रोल एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज टैंक फुल हो गया। मतलब चार लीटर के आसपास पेट्रोल था इसमें, मतलब 9 एग्जैक्ट बिल्कुल ही फुल है। मैं इतना चाह नहीं रहा था पर क्योंकि पेमेंट हो गई थी। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं भोजपुर, यहाँ पर शिव जी का शिवलिंग है, ये रास्ता जाता है। 11वीं शताब्दी का है वो शिवलिंग। और उसके बारे में बताता चलता हूँ मैं कि टूट गया था वो बहुत पहले, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो टूट गया था। बट उसको वापस से जो इंडियन आर्किटेक्चरल जो हमारी संस्था है भारत सरकार की, उन्होंने वापस से उसको रिबिल्ड किया। मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ था, तो अगर आप जाएंगे कभी जाके आप देख सकते हैं, वो काफ़ी ऊंचा है, 14 फिट का है वो। तो आप जाके जब वहाँ चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो गुंबद था, ऊपर का छत था, वो भी टूट गया था और वो सीधा आके शिवलिंग पे ही गिरा था, और जिसकी वजह से शिवलिंग खंडित हो गया था। बट उसको वापस से सही करके इस्टेब्लिश किया गया है। 1960 के आसपास शायद उसे इस्टेब्लिश किया गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1960 के आसपास किया गया है। सो टैंक फुल है, मैंने भी रुक के चाय पी ली थी, अब मुझे भी रुकना नहीं है। एंड आई विल कवर एटलीस्ट 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर का मेरा टारगेट है अभी, उसके बाद मैं रुकूंगा। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा। मैं जा रहा हूँ अपने घर मलाजखंड। पिछली बार भी मैं गया था पर वो प्रॉपर एक ब्लॉग बन नहीं पाया था क्योंकि उस वक्त थोड़ी परेशानियाँ थी जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। बट ये वाला ब्लॉग एक कंप्लीट ब्लॉग होने वाला है। मैं यहाँ से जाऊँगा, वहाँ पर छठ है जो मुझे अटेंड करना है, मैं उन सभी की क्लिपिंग्स आपको दिखाऊंगा और फिर वापस आना है मुझे। इसके बाद हमारा दिसंबर में एक बहुत ही बड़ा प्लान है, शायद अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो यू विल गेट टू सी। एक एक फॉरेन ट्रिप का है, जो हमारा सबसे करीबी जो पड़ोसी है नेपाल, वहाँ जाने का हमारा प्लान है। और वो प्लान कुछ इस तरीके का रहेगा जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। बट ये है कि दिसंबर के लास्ट में प्लान तो बन रहा है, लेट्स सी उस समय कैसी कंडीशंस रहती हैं जिसके हिसाब से प्लान करूंगा। और आपको देखने को मिलेगा, मैं अपना गांव दिखाऊंगा आपको, जो कि बिल्कुल ही बॉर्डर पे है, बिल्कुल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है। उसके बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है हमारे गांव के बाद, लगभग 1.5 किलोमीटर मेरे घर से, और वहां से स्टार्ट हो जाता है। पीछे जो ये हवा से उड़ रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा है। एक बात तो जरूर मैं मानूंगा कि बंसल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये अच्छी कॉलेज में से गिना जाता है इसे। एक चीज़ मैं मानूंगा कि रोड कंडीशंस बहुत ही अच्छी हो गई है पहले से। जब मैं लास्ट टाइम गया था तो यू वुड नॉट बिलीव कि ये डिस्टेंस मुझे कवर करने में 2 घंटे लग गए थे, एंड दिस इज अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स ओनली। और इतना ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, और उस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और फिर उसके आगे की भी जो सड़क थी वो बहुत ही ख़राब थी, और उसकी वजह से बहुत टाइम लग गया था मुझे पिछली बार जब मैं जा रहा था। तो बट अभी ये डिस्टेंस मैंने 10 मिनट में कवर कर लिया है, तो पूरे 2.25 घंटे की बचत हो गई है मेरी। और अभी भी आगे भी रोड कंडीशंस अच्छी ही मिलनी है। मुझे थोड़ा डाउट है, जब मैं आगे जाऊंगा मैं बताऊंगा कहाँ से मुझे डाउट है। पूरी आगे जाने पर जब आप ये हाईवे छोड़ देते हो, इस हाईवे को जब मैं छोड़ूंगा तब मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद रोड कंडीशंस थोड़ी ख़राब आएंगी। मैं आज जाने वाला हूँ सारनी वाले रास्ते से, मैं बैतूल नहीं जाने वाला हूँ। तो सारनी वाले रास्ते में एक तो क्या है कि थोड़ा जंगल एरिया है, तो घाट जैसी सड़क आती है, और दूसरा ये है कि वहाँ की रोड कंडीशन भी थोड़ी वन वे है, वो एक ही साइड से है, तो सामने से ही गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो यू कैन नॉट ड्राइव दैट मच फास्ट, 60-70। और घाटियाँ हैं, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, फिर टर्न आ जाता है घाट पे ही, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला टोल नाका हमारा आ चुका है, फर्स्ट टोल नाका, और हमारे पास बाइक है, बाइक की कोई टैक्स नहीं लगती, पहले ले लिया होता है। एंड दिस द बेनिफिट ऑफ
ट्रैवलिंग थ्रू मोटरसाइकिल। ये लाइन में लगे हम निकल गए। सो रोड कंडीशंस अभी तक तो बहुत ही अच्छी मिल रही है मुझे। अगर यही रोड कंडीशन रही तो डेफिनेटली मैं जो ओवरऑल टाइमिंग है ना उसे मैं 2 घंटे का डिफरेंस ले आऊंगा। एक्सपेक्टिंग जो अच्छी वाली हाईवे थी यहीं तक थी, खत्म हो गई है। अब ये वन में हो गया है, रातापानी ये फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो गया, अभयारण्य यहाँ से स्टार्ट हो गया, सब ये वन वे। इससे पहले जो पीछे थी वो निकल गई, कौन सी जगह है बताता हूँ, भीमबेटका निकल गई ना। भीमबेटका इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है और एक जो आर्कियोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो जगह, क्योंकि भीमबेटका में आपको मिलता है स्टोन एज के, जो उस समय जो लोग रहते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने वहाँ पर ना पेंटिंग की है, वो है वहाँ पर स्टोन एज के टाइम पे जो किया गया है। और दूसरा एक उसका महाभारत काल से भी एक रिलेशन है कि वहाँ पर बैठकी करते थे, मतलब मीटिंग्स रखते थे भीम जो थे, महाबली भीम, वो मीटिंग्स रखते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली उसका नाम भीमबेटका है। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से वहाँ पर स्टोन एज के टाइम पे पेंटिंग की गई है जो लोग वहाँ रह रहे थे उनके द्वारा। अब ये वन वे हो गया है तो क्या हो गया है कि मैं ज़्यादा तेज नहीं चला सकता भाई। अभी तक मैं 90-100 में चल रहा था, 110, बट ये तो विलेज एरिया है और साथ ही साथ वन वे, यू नेवर नो कब कहाँ से क्या आ जाए। सो आई विल मेंटेनिंग अराउंड 70-275। सो यू कैन सी दिस सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऊपर से दो ट्रेन की पटरियाँ गई हैं और नीचे से ये रोड गई हुई। मैं रोड के किनारे में खड़ा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए मैं रुक गया यहाँ पर। मैंने कुछ फोटो भी क्लिक्स की है, इंस्टाग्राम पे चेक कर लीजिए। मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं चाहूंगा कि कभी यहाँ पे 4 लेन ना बने मैं चाहूंगा ये दिस रोड इज इनफ। थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है पर कोई बात नहीं, ब्यूटी ऑफ नेचर तो खत्म नहीं होगी। थोड़ा कंजेस्टेड लगता है चलाने में यहाँ पे क्योंकि तो सड़क बहुत कम चौड़ी है। And like we are about to reach, I am about to reach Hoshangabad. 20 किलोमीटर के आसपास बचा है एंड होशंगाबाद में आपको माँ नर्मदा होशंगाबाद से निकलती है। हमने भी इस बस के पीछे पीछे ही अपने आप को निकाल लिया बट अब टाइम आ गया है, लेकिन टर्न है तो टर्न पे नहीं निकालेंगे। एक बार विजिबिलिटी, ओहो लुक एट दीज, फूल खाने तो नहीं आए हम यहाँ। सो अब हमें विजिबिलिटी मिल गई है थोड़ी सी, तो एक गियर को डाउन किया। हम निकल गए क्योंकि धूल खाने के लिए अगर हम उसके पीछे चलते रहते धूल खाते रहते। ये देख कितने सारे बंदर हैं और सभी काफी फ्रेंडली हैं। सो टू माय ग्रेट सरप्राइज वापस से 4 लेन रोड आ गई है एंड आई रियली लाइक रियली हैप्पी टू सी दिस।
और क्या होता है कि 4 लेन होती है ना, तो ये दिमाग में नहीं आता है कि सामने से कोई आ सकता है, एटलीस्ट हाईवे पे नहीं होता ये दिमाग में। सिटी के अंदर तो हो ही जाता है बट नॉट ऑन हाईवे। और ये ढलान में हूँ मैं इस वक्त, उदली 10 किलोमीटर। लुक एट दीज माउंटेन्स, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। सो राइट नाउ वी आर पासिंग थ्रू बुदली, पहुंच गए ऑलमोस्ट। आई मस्ट से कि रोड कंडीशंस तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। फ्रॉम माई लास्ट जर्नी इन मार्च 2021 ओनली और अभी मैं जा रहा, बहुत डिफरेंस आ चुका है। ये सड़कें नहीं थी, आपको शायद भरोसा ना हो पर ये सड़कें नहीं थी। ये आप देख रहे हो साइड में, ये सिंगल रोड थी बस। सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग ओवर नर्मदा, होशंगाबाद पहुंच चुके हैं। एक बार मेरा प्लान है नर्मदा परिक्रमा करने का भी ऑन माय FZ। सो अब मैं चाय रुकूंगा 11 बजे चाय पीने के लिए, तो अब मिलता हूँ सीधा 11 बजे। सो वी हैव कवर्ड 100 किलोमीटर्स और रुकना था क्योंकि कुछ खाया नहीं है, तो वी विल टेक सम टी और देखते खाने को क्या मिलता है यहाँ पे। शाहपुर और यहीं से मैं आगे से टर्न लेना है सारनी के लिए। अगर आप में से कोई भी देख रहा हो बैतूल से तो डू लेट मी नो कि क्या शाहपुर और सारनी ये दोनों बैतूल डिवीजन के हिस्से हैं या अलग है। सो मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा था वो आ गया है, सामने में जाऊंगा तो बैतूल पहुंच जाऊंगा। मुझे लेना है लेफ्ट ताकि पहुंच जाऊं सारनी, और सारनी में है पावर प्लांट और वो आपको यहाँ दिख सकता है सामने ऑफिस है। और मैं पिछली बार जब गया था रात में गया था मैं, यू कैन सी राइट हियर सतपुरा। यहाँ पे चेकिंग है लेकिन वो ट्रक्स के लिए शायद, बिकॉज ये फॉरेस्ट एरिया में आता है। तो यहाँ से सारनी के लिए मैंने लेफ्ट ले लिया है और मुझे सीधे चलते जाना, और लुक एट दिस व्यूज मैन। मैं इसी के लिए मैंने लेफ्ट लिया है क्योंकि मुझे ये रास्ता जो व्यूज देगा मुझे बैतूल वाले रास्ते में शायद मिलते हैं। ब्रेक लग गया है क्योंकि सामने से फाटक है, ट्रेन निकलने वाली है। पहली बार मुझे रास्ते में, क्योंकि अब तो हर जगह फ्लाईओवर बन जाता है, पहली बार मुझे ये रास्ते मिल रहा है, मतलब अभी तक के रास्ते में। वैसे कई बार मैंने ऐसा क्रॉस किया है, तो वेट करते हैं ट्रेन की। So now we have entered in सारनी, कुछ ही दूर पे टोल प्लाजा है नंबर 3, तीसरा टोल प्लाजा मिल रहा है हमें ये, और उसके तुरंत बाद आ जाएगी सारनी की पावर प्लांट। बेनिफिट्स ऑफ टू व्हीलर, यहाँ पर है कोई स्कूल है, बालाजी आई गेस इंटरनेशनल स्कूल क्या। अगर कोई सारनी से वीडियो देखे तो मुझे जरूर बताना कि मैंने नाम सही लिया था या नहीं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल यही नाम है। तो फाइनली
बाबा मठाड़देव की नगरी में आपका स्वागत है, नगर पालिका परिषद सारणी, बट पावर प्लांट अभी थोड़ा और आगे, इट्स अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस, बट इवेंचुअली वी हैव रीच टू सारणी। अब हमारा अगला जो टारगेट वो छिंदवाड़ा होगा, फिर बरघाट होगा, फिर बालाघाट, एंड देन विल रीच टू द मलाजखंड। और ये जगह भी मतलब ऐसा ठीक ठाक लग रहा है मुझे, मार्केट प्लेस जो इसका जो मार्केट है वो सही लग रहा है। फाइनली सामने अगर आपको दिख रहा हो तो वो दो बड़े बड़े चिमनीज, दो नहीं तीन चार बहुत बड़े बड़े चिमनीज हैं, बहुत ऊंची। और इसलिए मैं इस रास्ते से आया क्योंकि मैं जब पिछली बार आया था तो नाइट था, तो मुझे एक्चुअली में दिखा नहीं था। अगर आपको वहां दिख रहा तो चिमनी के पीछे देखना एक पहाड़ी है। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना रात के समय में, तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद बादल है, वो जो चिमनी में से जो धुआं निकलता है ना, तो मुझे क्या लगा बादल है, क्योंकि रात का टाइम था, लाइट्स जल रही थी और वो चमक रहा था, वाइट वाइट स्मोक था, वो काफी चमक रहा था। और अब हम यहाँ से स्पीड ब्रेकर आ गया, हमें जाना है सीधे ही जाना है, एक फोटो तो बनता है यहाँ पे दोस्त, तो मैं लेता एक फोटो तब तक। यस यस, यहाँ से ले सकते हैं। मैंने वहां से इसलिए नहीं फोटो लिया क्योंकि वो थोड़ी नैरो रोड थी और कई लोग आ जा सकते हैं वहां से। सो घाट हो चुका है स्टार्ट, एंड यू कैन सी मैं इसी के लिए इस रास्ते से आया था, मुझे यही रास्ता चाहिए था और इसलिए मैंने ये चुना, नहीं तो मैं बैतूल जा सकता था। बट ये बहुत ही मस्त वाली घाट मिलती है यहाँ पर। छिंदवाड़ा पहुंचा था, लगभग टाइम हो गया है, कितना बहुत सारा टाइम हो गया है, 4 बजने के आसपास है, 3:41 हो चुका है। और यहाँ से लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता है, तो प्रोबेबली 8 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर। अभी मैं छिंदवाड़ा शहर में हूँ, क्रॉस कर रहा, ये यहाँ की मेन रोड है और ट्रैफिक अच्छी खासी है यहाँ पे आज। सिवनी हमें जाना है यहाँ से, सो विल टेक लेफ्ट। सिटी में फिर से आ चुके हैं, जगह का नाम है सिवनी, जो भी यहाँ के आसपास आप लोग देख रहे हो, यहाँ जहाँ अगर सिवनी से छिंदवाड़ा से, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये शायद यहाँ की मेन रोड है और इसके बाद जाना है बालाघाट और फिर बालाघाट से मलाजखंड। तो फाइनली हम बालाघाट पहुँच चुके हैं और टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, बताता हूँ कितना हो गया है, टाइम हो गया है 6:40, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया मुझे ऐसा लगता है। चाय की तो याद आने लगती है ना, तो ये पुलिस लाइन है बालाघाट का। ओ चाय मिल गई, चाय मिल गई, तो चाय पीते हैं। सो अब हम पहुंच चुके हैं
बालाघाट से मलासखंड वाली बैहर वाली जो रोड है उस पे है। सो दिस इज फॉर यू गाइस, नाउ यू एंजॉय दिस नाइट राइड इन घाट। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो घाट है ना, तो सड़क तो जैसा है डेंजरस है वो तो है ही, दिस एरिया इज एक्चुअली नक्सल प्रभावित एरिया है, ये नक्सलाइट एरिया माना जाता है ये। सो नाइट के टाइम में ट्रेवल करना इसलिए भी थोड़ा डेंजरस है इन जगहों पे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब मलासखंड। ये सामने आपको मेन गेट दिख रहा होगा। आई होप आपको ये जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में जो कल का दिन है, छठ पूजा स्पेशल के क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस जर्नी। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।